नमस्कार दोस्तों, हाउस ऑफ वाई में आपका स्वागत है। आज हम एक आकर्षक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वृक्षों को सर्दी के महीनों में अपने पत्ते क्यों गिराने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वृक्षों के इस अद्भुत परिवर्तन के पीछे का विज्ञान क्या है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। डिटेल में जाने से पहले चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पत्तों का वृक्षों के लिए महत्व क्या है। पत्ते वृक्ष पर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूरज की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पत्तों में क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य की किरणों को कैप्चर करता है और वृक्ष के लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने में उसका उपयोग करता है। हालांकि जब दिन छोटे और ठंडे होते हैं, तो वृक्षों को पत्तीदार छाया को बनाए रखने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में सूर्य की किरणों की मात्रा कम होती है और तापमान बहुत अधिक गिर जाता है। इन स्थितियों का सामना करने के लिए वृक्षों ने एक बढ़िया संरक्षण रणनीति विकसित की है, अपने पत्ते गिराना। पत्तों का गिरना, जिसे लीफ एब्सेशन भी कहा जाता है, सिर्फ तापमान में परिवर्तन की प्रतिक्रिया नहीं माना जाता है। यह वास्तव में एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रक्रिया है, जो वृक्ष द्वारा स्वयं प्रेरित होती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब सर्दियाँ पास आती है, तब वृक्ष पत्तों में एब्सिसिक एसिड नामक एक रासायनिक पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। यह रासायनिक पदार्थ एक संकेत के रूप में कार्य करता है और वृक्ष को बताता है कि पत्तों को गिराने का समय आ गया है। क्लोरोफिल के स्तर, जो पत्तों को हरा रंग देते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जिससे अन्य रंगों के पिगमेंट्स जैसे कैरोटीनॉइड पैदा होते हैं, जो हम सभी को पसंद है। जब पत्तों के गिरने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो वृक्ष पत्ते की डंठल के नीचे एब्सिशन जोन नामक सुरक्षात्मक कोशिकाओं की एक परत बनाने लगता है। ये परत पत्तों और वृक्ष के बीच कनेक्शन को कमजोर कर देता है, जिससे पत्तों का टूटना आसान हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब वृक्षों के पास अपने पत्ते रिटेन करके सर्दियों के दौरान रखने का विकल्प होता है, तो उन्हें पत्ते गिराने की चिंता ही क्यों होती है? इसके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि पत्तियां नाजुक संरचनाएं हैं, जो ठंडे तापमान और भारी बर्फबारी से होने वाले क्षति के प्रभाव के प्रति संवेदनशील होती हैं। पत्तों को गिराकर वृक्षों ने इस जोखिम को कम कर दिया है, जिससे ये नाजुक संरचनाएं टूट जाती हैं और अगले स्प्रिंग के मौसम में नए स्वस्थ पत्ते उगते हैं। दूसरा कारण ये कि पत्ते वृक्षों के लिए एक एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होते हैं। सर्दियों में जब सूर्य की किरणें सीमित होती हैं, तब पत्तों को बनाए रखने और मरम्मत करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वह फोटोसिंथेसिस पूरी नहीं कर पाता। पत्तों को गिराकर वृक्ष एनर्जी की बचत करते हैं और अपने रिसोर्सेज को मूल विकास, ठंड और पेस्ट के खिलाफ बचाने जैसी अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए लगाते हैं। अंतिम रूप से गिरे हुए पत्तों का मिट्टी को एनरिच करने में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब वे डीकम्पोज होते हैं, तो वह मूल्यवान पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस छोड़ते हैं, जो भविष्य में मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप एक वृक्ष को सर्दियों के रंग में सजा देखें, तो इस मौसमिक घटना के पीछे के अद्भुत विज्ञान को याद करें। वृक्ष पत्तों को गिराते हैं ताकि वे हमेशा बदलते हुए पर्यावरण में जीवित रह सके और उन्नति कर सके, जो प्रकृति की अडाप्टेशन की अद्भुतता का प्रदर्शन करता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।